उत्तर प्रदेश में नई सरकार की भावी तस्वीर बुधवार को साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बैठक करेंगे। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार के आकार, डिप्टी सीएम की संख्या और नामों के अलावा सभी मंत्रियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। योजना 2 दर्जन कैबिनेट, 8 स्वतंत्र प्रभारी और करीब 2.5 दर्जन राज्य मंत्री बनाने की है। अब तक की योजना के मुताबिक विधायक दल की बैठक होली के ठीक 1 दिन बाद 19 मार्च को बुलाई जा सकती है। बुधवार की बैठक में कुछ विषय लंबित रह गए तो ये बैठक 20 मार्च को भी होगी। इसके बाद नई सरकार 21 या 22 मार्च को शपथ लेगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार की भावी तस्वीर बुधवार को साफ हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बैठक करेंगे। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार के आकार, डिप्टी सीएम की संख्या और नामों के अलावा सभी मंत्रियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। योजना 2 दर्जन कैबिनेट, 8 स्वतंत्र प्रभार वाले और करीब 2.5 दर्जन राज्य मंत्री बनाने की है। अब तक की योजना के मुताबिक विधायक दल की बैठक होली के ठीक 1 दिन बाद 19 मार्च को बुलाई जा सकती है।